नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर मनी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और योर मनी में हमेशा की तरह आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे आपको हम सलाह देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम बारीकियों से भी आपको रूबरू कराते हैं। शो की शुरुआत करते हैं आज की हाइलाइट्स के साथ। चिट फंड बिल कैसे बचाएगा आपकी कमाई, अहम बदलावों पर योर मनी में आज खास चर्चा। एक या दो साल के लिए निवेश करने लायक डेट फंड, आज जानिए योर मनी पर। और अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, तो अपने सवाल आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका आज योर मनी पर। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। लोकसभा ने चिटफंड अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया है। इस बिल का मकसद है चिटफंड की ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और साथ ही निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी करना। आज की चर्चा में हम बात करेंगे बिल की बारीकियों पर और आपको समझाएंगे कि क्या चिटफंड जैसे निवेश विकल्प में आपको रहना चाहिए या आपको इसे चुनना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, मैं चाहती हूं कि चिटफंड किस तरह का निवेश है पहले हम ये बताएं दर्शकों को। अक्सर हम सुनते रहते हैं इसके बारे में, इसमें घोटाले होते हैं, धोखाधड़ी के मामले कई सामने आए हैं, लेकिन उन सबको अलग रखकर चिटफंड किस तरह का निवेश है। कविता, बिल्कुल आपने सही कहा। जब भी हम चिटफंड की बात करते हैं, सबसे पहले वो जो स्कैम हुए हैं या धोखाधड़ी जैसा आपने कहा, वो सबसे पहले वही याद आता है। पर सच्चाई ये है कि एक चिटफंड एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे सेविंग और क्रेडिट वो दोनों का मिक्सचर आपको वहां पे मिलता है। तो होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं साथ में, एक टर्म डिसाइड करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम मान लीजिए वो अगर हर महीने के हिसाब से होता है तो हर महीने चिट का ड्रॉ होता है और मेंबर जो है उसके लिए बिड करते हैं। मान लीजिए अगर 10 मेंबर्स हैं, 5,000 रुपये अगर वो बिड कर रहे हैं हर महीने, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 50,000 हो गए। तो उसके सामने वो बिड करेंगे कितना डिस्काउंट वो लेने को तैयार है, 20%, 30%, और जिसकी लोएस्ट बिड जो रहती है उसको पैसा मिलता है। उसके लिए एक फोरमैन रहते हैं जो बेसिकली उसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और उनको उसके सामने उसका कमीशन मिलता है। तो ये इस तरीके से चिटफंड काम करता है। तो जाहिर एक्चुअली इसको अगर देखें एज एन ऑप्शन, तो ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जहां तक शायद हमारी बैंकिंग जो है नहीं पहुंच पाई है, या उनको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, या उनको जब पैसे जमा करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वहां पे था। बट ऐसा नहीं है कि वो खाली वहीं तक सीमित है, पूरे पूरे देश में एक्चुअली चिटफंड हैं और काफी सारे चिटफंड, अगर रजिस्टर्ड चिटफंड की बात करें, करीब 30,000 से 35,000 चिटफंड इस समय देश में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे काफी हद तक चिट फंड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसा है वो हमने समझा है, लेकिन जहां तक निवेशकों की कमाई की बात है, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है, किस तरह से हम निवेशकों को इससे फायदा होता हुआ देखते हैं। मतलब जैसे हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हैं, लेकिन चिट फंड में आप निवेश कैसे करते हैं, कैसे आपको लॉटरी या तमाम ऑप्शन के जरिए कमाई का विकल्प मिलता है इसमें। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं और हर महीने उसके लिए वो बिड करते हैं, तो जिसकी लोएस्ट बिड होती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, चिटफंड में क्या होता है, जो लोएस्ट बिड है वो 30% से 40% के नीचे नहीं जाती है। okay. उसका कारण यह है कि कोई एक्चुअली ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हो कि वो ज्यादा डिस्काउंट लेके पैसा लें और बाद में उनको पैसा पे करने प्रॉब्लम हो, तो वहां पे एक लिमिट है 30% to 40%, उतना लेके। तो होता क्या, देखिए, जिसने बिड किया और जिसकी बिड अप्रूव हुई उस सब्सक्राइबर को पैसा मिलता है, और जैसा मैंने पहले कहा था कि जो फोरमैन है उनको जो कमीशन मिलता है वो कमीशन वहां से निकाला जाता है, और बाकी जो पैसा बचता है, जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए 50,000 रुपए की अगर चिट है और उन्होंने अगर वो 40,000 में लिया, तो 10,000 में से अगर मान लीजिए उनका 5% आप फोरमैन का कमीशन निकाल दीजिए, तो बाकी जो है बाकी मेंबर्स के अंदर एज ए डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही फर्क है, देखिए जैसा मैंने कहा था, ये ऐसी मैकेनिज्म है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट दोनों की फैसिलिटीज देता है। तो इसमें होता क्या है कि आप अगर पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपके लिए सेविंग हो गई, जिनको छोटे बिजनेस है या किसी को पैसा चाहिए तो वहां से पैसा लेके एज ए क्रेडिट भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक एज ए मैकेनिज्म चिटफंड के डेफिनेटली कुछ रेलेवेंस है। बट जैसा हमने पहले बात की कि जब भी हम चिटफंड की बात करते हैं तो जो परसेप्शन है वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और हुए भी हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि 30,000 से 35,000 जो रजिस्टर्ड चिटफंड है, लेकिन अगर मैं अनरजिस्टर्ड चिटफंड की बात करूं तो वो 100 गुना ज्यादा है। तो शायद वही कारण है कि हमारी परसेप्शन जो उसके बारे में, क्योंकि इतने सारे जो चिटफंड है जो अनरजिस्टर्ड है उनको देखने वाला कोई नहीं है, उसमें कौन धोखाधड़ी कर रहा है,
कौन फोरमैन जो है पैसे लेके भाग गया, किसी के पास कुछ भी उसका आइडिया नहीं है. तो आई थिंक उसके अंदर कोई तो अब तक जितने भी धोखाधड़ी के मामले हमने देखे हैं, क्या वो अनरजिस्टर्ड चिटफंड्स में सामने आए हैं और वो किस तरह के धोखाधड़ी के मामले हैं? देखिए, इसका मैकेनिज्म एक्चुअली काफी अच्छा है. इसमें स्टेट के लॉज हैं, इसमें सेंटर का लॉ है, चिटफंड 1982. फिर भी इतने घोटाले? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको, रजिस्टर्ड वहां पे होता है. ओके, देखिए कैसे प्रोटेक्शन होती है यहाँ पे. जैसे मैंने पहले कहा, जो फोरमैन जो होता है, जो उसको मैनेज करता है, अगर मान लीजिए चिट की वैल्यू अगर 50,000 है या 1,00,000 है, उनको 1,00,000 रुपया जमा करना पड़ता है अगर ये रजिस्टर्ड चिट फंड है तो. यानी इसका मतलब कि अगर किसी सब्सक्राइबर ने पैसा नहीं दिया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जो मेंबर, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका पैसा कहीं मारा नहीं जाता. लेकिन अगर हम अनरजिस्टर्ड की बात करें, ना तो कोई वो रूल फॉलो कर रहे हैं, ना कोई लॉ फॉलो कर रहे हैं, ना आपका कोई हिसाब है कि किसने वो शुरू किया. काफी बार हमने देखा है कि जो प्रमोटर्स हैं वो भाग गए, जिन लोगों ने बिड किया, पैसा लिया, और बाद में उन लोगों ने पैसा पे नहीं किया. आई थिंक इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं जो चिट फंड में हुए हैं. तो वो तभी होता है जब वो अनरजिस्टर्ड हो. अगर आप किसी रजिस्टर्ड, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, कई स्टेट्स में स्टेट रन चिट फंड्स हैं. हाँ. स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करती है. हाँ. काफी काफी रिप्यूटेड कंपनीज उनको रन करती है. और जैसा मैंने पहले कहा, एक्चुअली इसका जो बेसिक पर्पज था वो उन लोगों तक पहुंचना था जहां तक बैंकिंग नहीं पहुंच पाती. राइट. देख, जैसे जैसे मैंने पहले कहा, जिनको अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम होती है या इनको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छोटे बिजनेस वाले जो लोग हैं, इसकी कोई जरूरत है. हाँ. तो वो पैसा लेके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं. बट जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ प्रोटेक्शन वहीं पे है जहां पे रजिस्टर्ड. तो अब जो बिल पास किया गया है लोकसभा में, उसमें एक तो क्या क्या बदलाव इन्होंने किए हैं, और दूसरा मुझे ये जानना है कि यहाँ निवेशकों के हितों का कैसे ख्याल रखा गया है. जिस तरह से हमने ठगी के मामले आते हुए देखे हैं, तो इस तरह से जो नया बिल पास हुआ है, उसमें ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहे और जितना हमने निवेश किया है, अगर घाटा ना हो तो कम से कम उतना पैसा तो हमें मिल जाए. देखिए, एक तो सवाल यह है कि पहले आपको चिटफंड में डालना है कि नहीं, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी रजिस्टर्ड चिटफंड में लगाया है, जैसे मैंने पहले कहा, तो वहां पे जो सिस्टम है काफी रोबस्ट है, लॉ है, उसके अंदर उतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं नजर आता. लेकिन जो हमने बात की कि अभी जो अमेंडमेंट बिल है 2019 का, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, इसका पर्पज सिर्फ यही है कि इसके अंदर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए. इसका पर्पज ये है कि जो प्रोटेक्ट, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. तो कुछ बड़े चेंजेस जो इसके अंदर किए गए हैं, जैसे पहले जो चिट का जो साइज हुआ करता था, इंडिविजुअल्स के द्वारा जो रन करते थे, या चार मेंबर्स तक, जो चार पार्टनर्स तक जो रन करते थे, उसके अंदर लिमिट थी 1,00,000 रुपए, उसको बढ़ा के अभी 3,00,000 कर दी गई है. और जहां पे चार से ज्यादा पार्टनर्स हैं, उनकी जो लिमिट थी वो 6,00,000 थी, उसको बढ़ा के अभी 18,00,000 कर दिया गया. तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये हुई. दूसरा, जो फोरमैन जो इसको चलाते हैं, जो इसको मैनेज करते हैं, उनका कमीशन पहले 5% था, उसको बढ़ा के 7% कर दिया गया. आई थिंक उसका ऑब्जेक्टिव वही है कि उनको थोड़ा डिसेंट पैसा मिले, ताकि वो ठीक तरीके से उसको मैनेज कर सके. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहले का जो एक्ट था, पहले जो लॉ था, उसके अंदर कहा गया था कि लॉ आने से पहले कि जो चिटफंड थे या वो चिटफंड जिनका साइज 100 रुपए से नीचे था, वो इसके दायरे में नहीं आते थे. अच्छा. अब ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो लिमिट को हटा दिया गया है. अच्छा. हर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो लिमिट कैसे होनी चाहिए. चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा सा उसको जो मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा आसान किया गया है. जब ड्रॉ होता था तो वहां पे फिजिकल प्रेजेंस मेंबर सब्सक्राइबर की होनी जरूरी होती थी. अब ये दो मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए वहां पे सब्सक्राइबर. अब ये कहा गया है इस नए एक्ट के अंदर, जो अमेंडमेंट हुआ है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से भी अगर दो सब्सक्राइबर उसमें पार्टिसिपेट करें, तब भी ये एक्सेप्टेबल होगा. तो देखिए, जैसा आप देख, और कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे चिट फंड, जैसा हमने बात की, परसेप्शन इशू बहुत बड़ा है. चिट फंड की बात करते हैं, सबसे पहले आपको वो फ्रॉड, सबसे पहले वो स्कैम. हाँ, क्योंकि वो काफी भरोसेमंद प्रमोटर्स के द्वारा आए गए चिट फंड्स में हमने घोटाले आते हुए देखे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर और कॉन्फिडेंस फैक्टर हिला हुआ है. जी बिल्कुल. आई थिंक अमेंडमेंट बिल में कोशिश की गई ऐसे जैसे फ्रेटर्निटी फंड, इस तरह के टर्म्स को यूज किया जाए, ताकि आपका जो फोकस है वो वहां, जो पुरानी जो इमेज है वहां से हटा के उसको थोड़ा सा इमेज को सुधारा जाए. लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अब इतने बदलावों के बाद भी, अभी तो खैर ये पास होगा राज्यसभा में भी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये समझना है, अब जितने भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है वो अधिकतर एसएमई वगैरह के अंडर आते हैं, रेगुलेट होते हैं. चिटफंड में आपने कहा है कि केंद्र शासित और साथ ही राज्यों को भी अलाउड है कि वो अपने नियम और कानून उस पर लागू कर सके. मेरे साथ अगर धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आता है, तो मैं कहां जाके अपनी शिकायत दर्ज करूं? देखिए, जैसा मैंने कहा, उस एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है. मेरे हिसाब से वो अभी भी उतना रोबस्ट सिस्टम नहीं है. अभी हमको देखना पड़ेगा कि जब पूरा बिल जब पास होता है राज्यसभा के बाद, जब डिटेल आएंगी, शायद मुझे लगता है कि उस चीज के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि जो रिड्रेसल का, जो ग्रीवेंस का रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है इस बिल के बाद थोड़ा सा बेटर होगा.
ऑलराइट, लेकिन अब अहम सवाल कि क्या आपको चिटफंड जैसे निवेश विकल्प को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? जैसा कि बताया हेमंत जी ने भी, स्मॉल टिकट के जो निवेशक होते हैं वो इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस निकल के आते हैं, लोगों को ज्यादा जागरूकता होती नहीं है और इसलिए इस तरह के निवेश में उनका रुझान ज्यादा होता है। हमारी कोशिश यही है कि हमारे माध्यम से हम हर तरह की जगह तक पहुंचे, हर गांव कस्बे में पहुंचे और उन्हें बताएं कि चिटफंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो किन सूरतों में आपको निवेश करना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास कोई बेहतरीन ऑप्शन है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो चिटफंड है, जो हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो लास्ट माइल की जो बात करते हैं, वहां पर पहुंचा सकता है। हाँ, जब ये शुरुआत हुए थे आज में काफी फर्क है कविता, आई थिंक हमको समझना पड़ेगा। हमारे देश में 70 से 80 करोड़ लोगों के पास आज बैंक अकाउंट है, NBFCs हैं आपके पास, माइक्रो फाइनेंस है, काफी सारे साधन हैं, छोटी जगह हो, गांव हो, बैंकों बैंक हर गांव-गांव में पहुंचे हुए हैं बैंक। तो मुझे लगता है जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और आज में काफी फर्क है, काफी फैसिलिटीज है। तो मुझे लगता है इन्वेस्ट करने से पहले, अभी भी जैसे मैंने पहले भी कहा, वो सब्सक्राइबर, वो निवेशक जिनको लगता है कि बैंक जाने में प्रॉब्लम है या बैंक उनके पास नहीं है, छोटी रकम बनानी है या उनको थोड़ी पैसा चाहिए, आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वो लोग अगर इसमें निवेश करें तो मुझे समझ में आता है। बाकी लोग जो शहरों में रहते हैं, अगर आप चिटफंड में डालते हैं, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, आज म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, आप छोटे छोटे रकम से भी आप पैसा बना सकते हो। एक ही फायदा चिटफंड में क्या होता है कि मान लीजिए आपने, आप अगर बैंक में पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड में लगाते हो, उसके सामने अगर आप लोन लेते हो तो जितना आपने जमा किया है उसके सामने लोन मिलेगा। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 5 साल का अगर चिट है और आप शुरुआत में लेते हैं तो 5 साल के लिए आपने जो पैसा आपको मिलने वाला था वो आपने एडवांस में ले लिया। और ऐसे में ऐसा भी देखा गया है कि आपको अगर जरूरत हो या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलिए ये पैसा आराम से मिल रहा है तो ले लेते हैं, तो जितना आप उसको रिटर्न कर सकते हैं उससे ज्यादा कहीं आप कमिटमेंट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस जगह में बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, आपको लगता है कि थोड़ी इश्यूज हैं वहां पे जाए तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आता है। बाकी जगह शहरों में सब जगह पे अभी आप म्यूचुअल फंड भी, इनकी रीच देखिए हर जगह पे है, बैंक भी हर जगह पे पहुंचे हुए हैं, तो मुझे लगता है आज आपके पास अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो काफी सारी फैसिलिटीज है, उसको ध्यान दें बजाय इसके। और कहीं ना कहीं शायद अगर आप जाना भी चाहें तो थोड़ा परसेप्शन जो है इशू है उसको थोड़ा टैकल करने की जरूरत है। हाँ। कि आप समझिए कि जो रजिस्टर्ड चिट फंड है वो ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएंगे, उसमें प्रॉपर मैकेनिज्म है, स्टेट यू नो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट लॉज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, आई थिंक उसमें थोड़ी प्रोटेक्शन डेफिनेटली है। बट फिर भी मैं कहूंगा इन्वेस्ट करने से पहले सोचें कि वाकई में इसमें करने की जरूरत है। बिल्कुल, और अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो योर मनी है आपकी सेवा के लिए, आप हम तक अपना सवाल पहुंचाइए और हम आपको डिटेक्ट कर सकते हैं आपके सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की ओर। लेकिन बहरहाल जहां तक जागरूकता की बात है, आपको पता होना चाहिए कि चिटफंड बिल में क्या नए बदलाव करके इसको नयापन देने की कोशिश की गई है, कैसे आपके हितों की रक्षा करने की कोशिश की गई है। चलिए फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे दर्शकों से हम जुड़ेंगे, जो खासतौर से आज हम फेसबुक के ही सवालों पर फोकस कर रहे हैं। रवि कुमार हमारे दर्शक है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो डिटेल्स हमें दी है, उनका सवाल लेंगे फोन लाइन पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए योर मनी में अब सीधा जुड़ेंगे हम दर्शकों के साथ और हमारे पहले दर्शक रवि कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हाय रवि, कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आपने 3 फंड्स में जो निवेश किया हुआ है, कितना पुराना निवेश है आपका? मैडम ये अभी 2 साल ही हुए हैं इसमें निवेश किए हुए। ओके, 2 साल से आप निवेश कर रहे हैं। आपने 2 टैक्स सेविंग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, कोई खास वजह? हाँ मैम, टैक्स सेविंग का ही पर्पस था, इसीलिए किए थे उसमें, और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा इसी पर्पस से किया है। ओके, चलिए ठीक है। दूसरा, हाँ जी, एक और फंड है, तीसरा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, लिस्ट हमारे पास है। आप 9000 का निवेश कर रहे हैं और SIP के जरिए आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए 30 साल में, रिटायरमेंट का क्लियरली इनका लक्ष्य, क्योंकि इनकी उम्र अभी फिलहाल 30 साल की है। फंड्स कैसे हैं? आई थिंक 2 चीजें हैं, एक तो फंड से पहले बात करूं, उससे पहले जैसा उन्होंने कहा ALSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और हम हमेशा कहते हैं कि ALSS एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ATC में टैक्स बेनिफिट तो लेते ही हैं, अगर आप इसको अपने लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन को जो भी अचीव करना चाहें लॉन्ग टर्म में, जैसा इनके केस में इन्होंने किया, वो आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप 9000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30 साल का अगर आपका जैसे टाइम होराइजन है, 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब 3.25 करोड़ मिलेगा आपको। मुझे लगता है 3-4 हजार रुपए आपको और बढ़ाने पड़ेंगे
अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, मे भी अगर 4000 बढ़ाएंगे तो शायद वहां तक पहुंच पाएंगे। फंड सिलेक्शन अच्छा है मैं कहूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है क्योंकि इनके पास समय ज्यादा है, जब भी पैसा अगर बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट को तो एक अच्छा खासा एक मिड कैप फंड ले लें, मुझे लगता है वो लेने की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में। और दो एरियाज में इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि रेगुलरली आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, दोनों के दोनों फंड अच्छे हैं। हाँ, बिड़ला फंड जो है उससे बेटर ऑप्शन आपको मिल सकती है, बट वो डिसेंट फंड है, आप उसको कुछ समय दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इन तीनों फंड में आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेंगे रौनक सुराना का, और इन्हें एक साल के लिए कोई डेट फंड चाहिए जिसमें ये निवेश कर सकें। देखिए, एक साल का टाइम हो रहा है ना, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं पाएंगे, और ये आई थिंक इनकी सही सोच है कि डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेट फंड के अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं, और सबसे अच्छी बात यह है जब से सेबी ने उसको इन फंड्स को रिकेटेगराइज किया है तो आप अपने टाइम हराइजन के हिसाब से आप फंड चुन सकते हैं। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ओवरनाइट फंड है, मनी मार्केट फंड, यू नो अल्ट्रा ड्यूरेशन फंड, बहुत सारे फंड्स हैं। क्योंकि आपका समय एक साल का है तो मैं कहूंगा ये लो ड्यूरेशन फंड जो है, जो 6 महीने से 12 महीने की मेच्योरिटी की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके टाइम हराइजन से बिल्कुल मैच करेगा। तो दो फंड मैं आपको इस कैटेगरी में बता देता हूँ, कोटक का लो ड्यूरेशन फंड है और SBI मैग्नम का लो ड्यूरेशन फंड, इन दोनों में से एक फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको लो ड्यूरेशन फंड में निवेश करने की सलाह दे दी। वो तमाम दर्शक जो अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि एक साल के लिए डेट फंड कौन सा हो, तो आप इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं अपने पैसों को। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवाल, इनफैक्ट रैपिड फायर करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। चलिए, योर मनी में फटाफट आखिरी पड़ाव है शो का, इसीलिए हम शुरुआत करेंगे रैपिड फायर राउंड से। राजेश चैन का सवाल मैं लूंगी, जो हमारे फेसबुक के दर्शक है, इनका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शायद नए निवेशक हैं और पूछ रहे हैं हेमंत जी कि पिछले एक साल में जितने भी फंड्स लॉन्च हुए हैं क्या उनमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि पुराने जितने भी फंड्स हैं उनकी NAV इस तरह के बाजार में तो गिर गई है। देखिए आई थिंक कविता, ये मिथ बहुत सालों से इन्वेस्टर्स के दिमाग में चला आ रहा है, बट आई थिंक इसको बहुत सिंपल है समझना। एनएवी का लेवल कितना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे एनएवी 100 रुपए हो चाहे दूसरे फंड के एनएवी 10 रुपए हो। अल्टीमेटली एक चीज हमको समझना है कि हर स्कीम का एक पोर्टफोलियो रहता है। अगर हम मान के चले कि मान लीजिए एक फंड की एनएवी 10 रुपए और दूसरे फंड की 100 रुपए है और दोनों के पास एक ही स्टॉक है और एक ये स्टॉक जो है वो 10% से ऊपर गया, तो दोनों की एनएवी 10% से ऊपर जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हो कि 10 और 100 का कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो 100 रुपए का जो एनएवी है उसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो जो पोर्टफोलियो बना होगा काफी अच्छे से बना होगा। मुझे लगता है आपको एक एग्जिस्टिंग फंड में जाना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए बजाय इसके कि नए फंड में, अनलेस आप उस नए फंड को समझे और आपके पास वो रिस्क प्रोफाइल हो कि उस नए फंड में आप कुछ अपने लिए पोटेंशियल देख सके। अदरवाइज एग्जिस्टिंग फंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें जाइए। अगला सवाल कृष्णन करपास्वामी का लेंगे, इन्हें 25 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं, 5 साल का समय है। संबंध इनको किसी ने सुंदरम सेल्फ फंड का कोई सुंदरम सेल्फ फंड ये कह रहे हैं, आई रियली डाउट इस नाम का कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से सुंदरम का कोई फंड का रिकमेंडेशन किसी ने दिया है, लेकिन हम इनको एक नई स्ट्रेटजी दे सकते हैं 25 लाख लमसम 5 साल के लिए। देखिए 25 लाख का इनको इन्वेस्ट करना है और 5 साल का समय है, क्योंकि लमसम इन्वेस्ट करना है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास पूरा 5 साल का समय है उस पैसे को ग्रो करने के लिए। जब आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड कम आ जाता है, क्योंकि 5 साल का समय बहुत लंबा समय नहीं है इक्विटी ऐसे पोटेंशियल के लिए। तो मैं कहूंगा कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है जिनके अंदर इक्विटी जो है करीब 40-50% रहती है, साथ में आर्बिट्राज और डेट रहता है, मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगा इनके लिए। उसमें जैसे कोटक का बैलेंस एडवांटेज और ICICI प्रू का बैलेंस एडवांटेज, ये दो फंड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहें तो इक्विटी सेविंग एज ए कैटेगरी ले सकते हो, ज्यादा रिस्क लेना चाहें तो एग्रेसिव फंड ले सकते हो। एक आखिरी सवाल सुधांशु कुमार का, इन्हें 1 लाख रुपए 5 साल के लिए निवेश करने हैं, ये शेयर्स पर रणनीति चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड रेकमेंड करेंगे। देखिए जैसे मैंने पहले कहा 5 साल का समय इनके पास भी, लमसम पैसा इन्वेस्ट करें तो जैसे मैंने पहले कहा था या तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या तो बैलेंस एडवांटेज फंड, किस तरह का आपका रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। फायदा जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, 1 लाख रुपए से अगर आप शेयर का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो थोड़ा कंसंट्रेटेड बनेगा, रिस्क बढ़ जाता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को हमें यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी पे आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ट्वीट करें, ईमेल करें, फेसबुक के योर मनी के पेज पर जाके भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। नमस्कार।